ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा जनता का बजट और तमाम जनता जो है 28 नंबर वार्ड बवाना के मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं, उन्होंने तमाम मुद्दे मेरे को गिनवाए हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पांच मुद्दे जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एक पार्क जो मुद्दा है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चोरी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बवाना इलाके के लिए, क्योंकि गांव का इलाका है। एजुकेशन सिस्टम, हालांकि बहुत जो दिल्ली के जितने भी लोअर इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है और ऐसे ही हालात यहाँ पर भी है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट जो है एक है यहाँ पर, वो उसके भी हालात जो है यहाँ पर बहुत बेकार है। इसके अलावा गांव एरिया है, तहसील यानी किसानों को बहुत सारी परेशानियां आती हैं यहाँ पर, वो एक। ये पांच मुद्दे हैं जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पार्क के बारे में अगर जानना चाहूँ तो कौन कौन चाहता है कि पार्क की जो समस्या सबसे पहले दूर हो, हाथ उठा दीजिएगा। तो ये है, पार्क के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पर सहमत हैं। अगर दूसरा जो मुद्दा था चोरी के लिए बात करूँ तो कौन कौन चाहते हैं कि चोरी, तो आप देख सकते हैं सभी लोग जो है वो सहमत हैं। एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था इस गांव की, यानी कि हर एक, ये तमाम पांच मुद्दे जो मैंने चूज किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इलाके के लिए। ट्रांसपोर्ट, मेरे को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई यहाँ पे आने, ट्रांसपोर्ट की बात करो तो उसको कौन चाहते हैं कि पहले हो। तमाम मुद्दे जो है सब में लगभग सभी की सहमति है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। तहसील, गाँव का इलाका है, खेती का इलाका है। अब ये कोशिश करते हैं इनसे जानने के लिए, सबसे पहले पार्क जो है, पार्क के लिहाज से अगर जानना चाहूं तो क्या चाहते हैं पार्क में, किस तरह से यहाँ पे बदलाव हो, किस तरह की स्थिति चाहते हैं यहाँ पे। पार्क जो पहले कुछ बने हुए हैं पार्क, उनका कोई भी निर्माण दोबारा से मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। कुछ एक मिनट है, जो बने हुए हैं कुछ पार्क बने हुए हैं, कुछ वैसे ही पड़े हुए हैं जिनका मतलब कई साल से उनका कोई भी ब्यौरा नहीं लिया गया है। पीछे विजयनगर में एक तालाब है, उसमें कई भैंसे वगैरह, गायें वगैरह, बच्चे वगैरह, बच्चे जो भी उधर डूब करके मर गए हैं। जो SDM को भी मैंने बोला था, वीडियो को मैं बोल के आया था और अप्लीकेशन बायका तो मैं दे के आया हूँ, उसकी फोटो लगा करके कि ये यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम हो रखी है, आप इसका समाधान जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो जनता अपने ऊपर मतलब उस पर नीति पर आ गई तो आपका मतलब। आप ये भी चाहते हैं कि जो तालाब है उसको पार्क में तब्दील कर दिया जाए ताकि खेलने का जुगाड़ जो है वो मिल जाए। उसके ऐसा उसमें चारों तरफ से रास्ता है, चढ़ने का नहीं है, उतरने का जरूर है। अच्छा, उतरने का है। बाबा आप कुछ कहना चाह रहे हैं पार्क के मुद्दे पर? ये हमारा जो जोड़ है काम के बिछाड़ा है, दो किले हैं जोड़ है, इनमें इतनी गंदगी है बेहद है, इसका पार्क बनना चाहिए और इसमें उठने बैठने का बढ़िया इंतजाम हो जाए। यानी इनकी राय ये है कि जहाँ पर भी गंदगी पड़े हुए हैं, कूड़े करकट रखे रहते हैं, उसको भी अगर डेवलप कर दिया जाए, उसको पार्क में तब्दील कर दिया जाए तो गंदगी भी दूर होगी और साथ में खेलने की जगह भी मिल जाएगी। चोरी भी इस इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चोरी के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? ये चोरी हमारे इलाके में हर रोज, तकरीबन हर रोज 3-4 बार चोरी होती है, दिन में भी चोरी होती है। ताला लगा करके हम कहीं नहीं जाते, एक सामान खरीदने के लिए बाजार में आते हैं तो इतनी देर में पूरे सामान को निकाल कर और लेकर चले जाते हैं, और चोरी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई अंत नहीं, हम कहीं भी नहीं जाते यहाँ। मतलब थोड़ी देर के लिए भी घर से निकल के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे चोरी के हालात बहुत ज्यादा खराब है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। एक अहम मुद्दा ये है एजुकेशन सिस्टम, जो कि हर इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इलाके की विकास होना है, इलाके में विकास होना है, तो उसके लिए एजुकेशन, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पर किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बहुत सालों से जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कई स्कूलों में तो साइंस यहाँ पर नहीं मिलती है, और कुछ फैकल्टी है तो फिर उसमें टीचर्स की बहुत शॉर्टेज होती है। तो हमारे देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में, बवाना वार्ड में सभी टीचर्स की जो वीकेंसी पोस्ट है वे फिलअप की जाए। अदिति कॉलेज के लिए नई बिल्डिंग के लिए एक्वायरमेंट के लिए DDA में फाइल अटकी पड़ी है, उसको एक्वायरमेंट के लिए जल्दी से जल्दी उस जमीन को एक्वायर किया जाए, और नई लैंड जो पुलिंग का है एन ब्लॉक में DDA का, उसमें किसान समिति गठित की जाए लैंड पुलिंग पर। हम अवेयर होकर अपने किसान के अंदर लैंड पुलिंग में अवेयर करेंगे, DDA को बताएंगे, और उसमें हिंदी में हल्फनामा होना चाहिए। हमारा एन ब्लॉक में है बवाना का क्षेत्र, तो DDA की भी परसों की मीटिंग में भी हम गए थे और हमने किसानों की समिति का गठन करके उनको दिया है, उसके अंदर हिंदी में अल्फनामा हो ताकि किसान कम पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में पीछे भी TDI का जैसे दूसरे क्षेत्र NCR में चीटिंग हुई थी किसान के साथ में, तो सरल भाषा में हिंदी में अल्फनामा हो जो ज्वाइंट वेंचर में जाएंगे, मतलब भाषा ऐसी सब समझ पाए। एजुकेशन की बात चल रही थी, बच्चा मेरे साथ है, किस तरह से दिक्कत होती है अभी स्कूल में?
स्कूल में ना नई अंग्रेजी सिखाते हैं और समस्या बहुत सारी रहती है, नई गंदा पानी आता है और टैंकर का पानी भी नहीं आता है, टीचर भी नहीं है और प्रिंसिपल ऑफिस में आरओ है और हमें गंदा पानी मिलता है। यानी कि ये गांव के इलाके में अक्सर ये परेशानी देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर बच्चों को जो इंतजाम बात होने चाहिए स्कूल में वो देखने को नहीं मिलता है, चाहे पानी की बात करें या फिर उन्हें खाने पीने की बात करें या फिर जो क्लासरूम है उसकी व्यवस्था की बात करें उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि ये बवाना जो है वो किसानों का इलाका है और तहसील जो जमींदार है उसको कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहूँगा ये तहसील वाला मुद्दा जो है कहाँ पर दिक्कत आती है इस पूरे मुद्दे में? तहसील के संबंध में समस्या किसान को इसलिए आती है, किसान जब अपने काम के लिए जाता है, खेती के काम के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए या किसी सर्टिफिकेट को लेने के लिए, तो पहले उसे पटवारी के पास जाना होता है। पहली बात तो पटवारी सीट पर मिलते ही नहीं, उनको आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, किसान को उस समस्या को भी हल करना पड़ता है। उसके बाद पटवारी कह देते हैं जी आप SDM ऑफिस जाइए। SDM ऑफिस जो हमारा है नए बास गांव में, जहां रोडों जाना आना यातायात के बड़ा खर्चा पड़ता है, हम पर ऑकवर्ड रास्ता है, सारा रास्ता भी अटपटा है, इसलिए वहां परेशानी होती है, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है, तो किसान तो बेचारा वापस निराश लौट आता है। जब उसको कई दिनों बीत जाते फिर वो फिर जाता है, साहब मेरा काम नहीं हो रहा क्या करें, वहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, SC का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, OBC का सर्टिफिकेट, परेशान हो करके वो DC ऑफिस जाना चाहते हैं ताकि शिकायत की जाए, लेकिन DC ऑफिस श्यामनाथ हमारे 30,000 कोर्ट के पास, तो यहाँ के भोले भाले किसान लोग कार्यालय का पता ही नहीं जाएंगे कहाँ, तो इससे दुखी हैं। लिहाजा इसको तहसील को एक जगह इसका कार्यालय बनाया जाए, इसी रिलेटेड जितने ऑफिसर है चाहे BDO है, नायब तहसीलदार है, पटवारी है, SDM है और DC एक ही कार्यालय में बैठे, ताकि सभी समस्याओं का समाधान किसान एक ही जगह करा सके, कि बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े किसी एक मुद्दे को लेकर। आखिरी मुद्दा जो है वो है इस इलाके में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की, जिसका खामियाजा हमने भी भुगता है यहाँ पर। सुबह सुबह आने से पहले मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं, आप ही बताइए कि ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर किस तरह से दिक्कत आती है और क्या सॉल्व होते हुए किस तरह से देखना चाहते हैं? हमारे यहाँ 1950 में बवाना DTC डिपो खुला था, उसकी 10 साल से यहाँ पर 18 बसें हैं, कई बार हम DTC चेयरमैन से मिल चुके हैं, वो आश्वासन देता है कि इस DTC डिपो में बस ले आएंगे 50 बस आएंगे, अब तक कोई बस नहीं आई है, कोई बस रास्ते में खड़ी हो जाती है, कोई रास्ते में खड़ी हो जाती है, उसे फिर बस ना होने की वजह से परेशानी है ग्रामीण इलाके में, बस ना जाने का कोई भी बस जाती नहीं, शहर में चलती है। हमारा DTC डिपो बंद होने के कगार पर है, जिसका 50 बसों का आश्वासन भी MLA दे चुका है, वे 50 बस आएंगी, वे कब आएंगी कब नहीं आएंगी इसका पता नहीं। तो ये DTC जो है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था यहाँ पर बहुत दिक्कत है उसकी, और ये तमाम 5 मुद्दे थे ही, उसके अलावा एक मुद्दा जो है वो हर जगह देखने को मिलता है, पूरी दिल्ली में इससे परेशानी हो रही है, वो है महिला सुरक्षा, उसको लेकर यहाँ पर क्या इंतजाम है और कितनी परेशानी होती है, इस पर बात करने के लिए यहाँ पर RW मेंबर भी हैं और महिला भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे किस तरह से दिक्कत है। अगर पर्टिकुलर महिला सुरक्षा को लेकर बात करूँ तो वहाँ यहाँ पर बवाना 28 नंबर वार्ड है, किस तरह के इंतजाम है और दिक्कत होती है या नहीं होती है? इंतजाम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई महिला अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती, रात को 8 बजे के टाइम सब्जी लेने या बाजार में कुछ ही काम के लिए जाना पड़ जाए तो अकेली औरत के लिए जाना बहुत खतरनाक है, क्यों कभी चैन खींच लेते हैं, कभी कान में से बाले खींच लेते हैं, कुछ ना आए तो कभी साड़ी खींच के भाग जाते हैं या सामान खींच के भाग जाते हैं, इतना बुरा हाल है इस बवाना में जिसका कोई जवाब ना, ATM का भी चक्कर है। और सबसे ज़्यादा तो ये ATM का बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है, कि फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे एक पूछते हैं आपका ये ATM बंद कर रहे हैं और आपको इसको चालू करवाने के लिए कुछ अपना मेरा भी 49,000 रुपये 350 रुपये की धोखाधड़ी से मेरे ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, मगर आज तक मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, आज तक उसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई। तो ये तमाम मुद्दे हैं बवाना 28 नंबर वार्ड के, जो कि यहाँ पे जनता चाहती है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या सॉल्व हो, परेशानी सॉल्व हो, लंबे समय से ये परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, अब तक ये सॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो ये था बवाना 28 नंबर वार्ड से जनता बजट, जो कि जनता यहाँ की चाहती है कि ये परेशानी उनकी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए।
इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।